लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय होने दीजिए, फिर अलायंस का लीडर तय होगा, फिर राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ओथ की तारीख जो है मांगी जाएगी। उसके बाद जो है हुकूमत बनने दीजिए। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज होंगी वो आप हुकूमत से पूछे ना, आप उनको बनने तो दीजिए। सर लोगों की काफी आशाएं हैं आपसे, तो उनको कैसे? अब लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोलिशन को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आए, जो हमारी कोशिश रहेगी। सर स्टेटहुड के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, सर कैसे होगा? अब कैसे होगा, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। सर प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद दी है, कैसे रिएक्ट करेंगे? मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया, उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वजीर आजम साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिलके एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। तो जिस हिसाब से अपोजिशन जमाते जो है लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि जम्मू के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ना हुकूमत बनने दीजिए ना, व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं है ना जो उन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें, श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हुकूमत कितनी मजबूत रहेगी, क्या यहाँ पर जंग रहेगी हमेशा एलजी वर्सेस चीफ मिनिस्टर या सेंटर? हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे, हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरमन माहौल में यहाँ मिलके हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौकूफ है, हम उस पर कायम है। सर क्या आप दिल्ली जाएंगे सीएम बनने के बाद, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर? अब अभी फिलहाल सीएम बना नहीं कोई, बनने दीजिए, फिर जो बनेगा तो उससे पूछिए ना, अभी बना नहीं। अभी ना सीएम बना नहीं और आप दिल्ली की टिकटें निकाल रहे हो, बनने दीजिए ना, फिर टिकट काटेंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम मिल रहा है कांग्रेस को, एक डिप्टी सीएम आपको उससे क्या फर्क पड़ता ना, आप हम पे छोड़ दीजिए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि एनआई के जरिए हम अपने निगोशिएशन करेंगे?